नमस्कार, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर पश्चिम का ठप्पा लगा हुआ है और हम विश्व भर में और विशेष रूप से भारतीय जो हैं, वो इस दिवस को होली के बजाय महिला दिवस और वुमेन एम्पावरमेंट के डे के रूप में स्वीकार करते हैं और खूब बढ़ चढ़ करके उसके विषय में बात होती है। तो इसलिए आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज एक वार्ता संस्कृत विभाग आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा है। और इस विषय को इसलिए भी चुना है क्योंकि एक भाग हमने पहले शुरू किया है और योजना ही यूं कह लीजिए कि एक योजना शुरू की है कि डीकॉलोनाइजिंग सोशल साइंसेस टू रिविजिट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड दिस इज अ पार्ट टू विच वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे। पहले भाग में हमने जो कल्चर है, जैसे हम संस्कृति शब्द में अनुचित रूप से जो है व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं, तो उसके ऊपर टिप्पणियां की थी, अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी और उसको करेक्ट करने का प्रयास किया था कि भारतीय संस्कृति को आप परिभाषित कैसे करेंगे। कम से कम वो कल्चर के सेंस में तो परिभाषित नहीं हो सकती और उसके लिए अपनी एक विशिष्ट शब्दावली है जो यज्ञ, वेद, योग और पुराण से लेकर के वो व्यक्ति के पुरुषार्थ तक चली आती है। तो भारतीय संस्कृति को उन अर्थों में हम परिभाषित करने का प्रयास करें और जो हमारे मनों में और मस्तिष्कों में ये भर दिया गया है कि जो पश्चिम से आने वाले अंग्रेजी के शब्द होंगे उनको हम हिंदी में अनुवाद करके उनको हम लोगों को उससे प्रभावित और संचालित करने का प्रयास करेंगे और एक निर्देशात्मक निर्दिष्ट परिवर्तन इस समाज में लाएंगे, भारतीय समाज में। तो उसको थोड़ा सा हमें विचार जरूर करना चाहिए और इस अहंकार से बचना चाहिए सभी सोशल साइंटिस्ट को कि वो सब कुछ अपनी बुद्धि से ठीक कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा बोध चाहिए, थोड़ी सी समझ चाहिए और भारतीय समाज की जो विशिष्ट शब्दावली है उसमें उनको सोचना आरंभ करना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये भाग दो है और हम प्रयास करेंगे, संस्कृत विभाग इस बात का प्रयास करेगा कि इस जो योजना शुरू की है जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा के पुनरावलोकन के लिए समाज विज्ञानों की औपनिवेशिक मुक्ति, इसके 5-6 भाग जो हैं वो हम जल्दी से जल्दी लेकर के आए। वो भाग इकोनॉमिक्स को लेकर के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन स्टडीज, इंडियन साइकोलॉजी, इस तरह के जितने भी विषय हैं उनको हम धीरे धीरे जो है वो टेकअप करेंगे। तो आज का दिन, हालांकि होली पे हमें बात करनी चाहिए थी, उत्सव पे बात करनी चाहिए थी क्योंकि भारतीय परंपरा उत्सव की परंपरा है, लेकिन इस विषय को क्योंकि आज हमने मान लिया है, क्योंकि वेस्ट ने इसके ऊपर ठप्पा लगाया है, तो हमें मानना होगा कि हमें ये महिला दिवस के रूप में इसे स्वीकार करना है। और उन्होंने जो इसका एक फॉर्मेट दिया है, पैराडाइम दिया है, उसी के अनुसार जो है हमें अपने समाज में परिवर्तन करने होंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ये विषय लिया है, महिला दिवस एवं स्त्री सशक्तिकरण का संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा। और इसमें आप नीचे स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम ने स्त्री को आगे बढ़ाने की भाषा का प्रयोग किया है। विकास, आगे बढ़ाना, कुछ करके दिखाना, इस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। और हिंदी और जो जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, माँ बोली कहते हैं, वो वस्तुतः हम माँ बोली ना बोल करके अंग्रेजी के अनुवादों को हम जो है अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं, क्योंकि अपनी भाषा के जो एक सुगंध है, जो उसकी संवेदनशीलता है, जो उसका एक संरचना रही है,
और जो उसकी संस्कृति रही है, पृष्ठभूमि रही है, उसका हम प्रयोग नहीं करते। इसीलिए अंग्रेजी के शब्दों के जो हमने अनुचित और असंगत अर्थ कर दिए हैं, वो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे लगभग अगले आधे घंटे में। और जब मैं ऐसी बात आपसे कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे मन में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्त्री का अर्थ वुमन नहीं होता और वुमन का अर्थ स्त्री नहीं होता, नारी का अर्थ फीमेल नहीं होता और फीमेल जो है वो नारी नहीं होती, और इसी तरह के और बहुत सारे शब्द। कुल मिलाकर के आपको अपनी माँ बोली में, मातृभाषा में लगभग 342 के करीब शब्द मिलेंगे जो कि किसी भी प्रकार से ना फीमेल के अर्थ में है, ना औरत के अर्थ में है, ना वो वुमन के अर्थ में है। तो ये चल करके हम आगे कुछ एक बातें देखेंगे और समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि जो हमें मनाना है और जिसे हमें मानना है वो क्या है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज द कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स मेड बाय वुमेन। इट सर्व्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर एफर्ट्स टू एंड जेंडर बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड अचीव जेंडर इक्वेलिटी। तो इस सारे के बीच में आप ये देख सकते हैं कि सारा का सारा जो जोर है वो किस विषय के ऊपर है, वो इस विषय पर है कि किस तरह से वुमेन जो है उसकी ये चार तरह की अचीवमेंट्स हो। अचीवमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपने कल्चरल क्या अचीवमेंट्स की, आपने पॉलिटिकली अचीवमेंट्स क्या की, सोशल और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स क्या हैं, वो स्त्री को परिभाषित करेगा। अब इसी के ऊपर हम कुछ एक इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और इसके ऊपर प्रश्नों को खड़ा करके उसके विभिन्न आयामों को तलाशेंगे। वस्तुतः इस सारे विषय को मैं दो भागों में आप लोगों के साथ लूंगा। पहला जो भाग है वो तो पावर पॉइंट है और दूसरा भाग जो है वो एक लेख है जो मैं आप लोगों के साथ विचार हैं जिनको आपके साथ साझा करूंगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि विकास के नाम पे स्त्री जो है वो सीढ़ी दर चढ़ती जा रही है। पुरुष की तरह वो हवाई जहाज उड़ा सकती है, टैंक चला सकती है, सबमरीन चला सकती है और हर तरह के अन्य वो काम कर सकती है जो मैन कर सकता है, पुरुष कर सकता है। और संदेश भी हम यही देते हैं कि बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, बी पैशनेट, बी इंडिपेंडेंट, इस तरह के ही संदेश देकर के हम स्त्री के व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के सेल्स हैं या वो एनजीओज हैं या कॉलेजेस और स्कूल्स में जिस तरह से इस विषय को पढ़ाया और समझाया जाता है, लेकिन कुछ बातों को हम दोहरा लें क्योंकि हमारी परंपरा, जिसे मैं संस्कृत की परंपरा कहता हूँ, भारतीय परंपरा कहता हूँ, वो प्रश्न की परंपरा रही है। तो उस परंपरा में हम बात को सटीक रखने के लिए, समझने के लिए हम चार जो हैं उन चार प्रश्नों के जो विभाजन है उनको हम देख लेते हैं। तो एकांश व्याकरणीय में हम उत्तर हाँ या ना में देते हुए प्रश्न को समझें कि इस देश में स्त्री को जो सम्मान मिलने चाहिए था क्या वह मिला, तो हाँ या ना में आप इसका उत्तर दे सकते हैं और सामान्य रूप से ना का ही उत्तर होगा। और उसमें हम शायद ये भेद नहीं करेंगे कि मुगल पीरियड से पहले, ब्रिटिश पीरियड से पहले या जो है जिसे हम स्वतंत्रता के पश्चात का समय कहते हैं, उसमें तो ये उत्तर निश्चित रूप से ना के अर्थ में ही है, क्योंकि संस्कृति, विकृति और प्रकृति इन तीन शब्दों से हमारा ज्यादा परिचय नहीं है। लेकिन जब संस्कृति की बात आती है तो उसमें जो मिलने वाली विकृतियां हैं उनके आधार पर हम अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं। और खास तौर पे भारत जैसे देश में तो ये एक वैशिष्ट्य रहा है कि जो बाहर के लोग हमारे बारे में लिखते हैं हमारे लिए वही इतिहास है, अपना जो हमारा इतिहास है वो हमारे लिए एक माइथोलॉजी ही रह जाता है। तो विकृतियों के आधार पे हम अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं, ये हमने अच्छी तरह से पिछले 75-100 वर्षों में ये ही सीखा है। लेकिन चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न।
वो है कि क्या स्त्रियां अपना निर्णय ले सकती हैं, अपने किसी भी विषय में निर्णय ले सकती हैं। तो प्रति प्रश्न ये है, स्त्रियों को स्वयं निर्णय लेने में संदेह क्या है? अब इस प्रश्न को आप पुराणों में वैदिक काल के संस्कृति के संदर्भ में लेंगे तो आपके उत्तर अलग होंगे, और अगर आप मुगल काल में आकर के ब्रिटिश पीरियड में आकर के लेने लगेंगे तो इनके उत्तर अलग हो जाएंगे, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करके आप इसका उत्तर दे देते हैं। एक तीसरी तरह के बिल्कुल असंगत, अनुचित, अप्रासंगिक प्रश्न होते हैं, और सामान्य रूप से इसी तरह के प्रश्न लेकर के हम जो है अपने अपने बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। मृत्यु के बाद स्त्री की आत्मा का क्या होता है? बिल्कुल नितांत असंगत प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्नों का आप उत्तर नहीं देना चाहते और ना ही आप देते हैं। लेकिन चौथे प्रकार के जो प्रश्न हैं, जिन्हें विभज्य व्याकरणी कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के ऊपर हमारी संस्कृति, विकृति और प्रकृति का निर्णय होता है, जब हम उन प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ आवश्यक रूप से स्त्री कल्याण या स्त्री सुख या स्त्री का आनंद है, यानी कि वुमेन वेलबींग है कि नहीं है, एम्पावरमेंट डायरेक्टली क्या इक्विवेलेंट है वेलबींग का या नहीं है, इस प्रश्न को हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था, हम अपनी भाषा को एक बार ठीक से समझने का प्रयास करें, और ठीक से समझने का प्रयास का अर्थ ये है कि जो पश्चिमी भाषाएं हैं उनमें वस्तु और जो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है उसका डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1:1 की रेशो में वो काम करते हैं। यानी कि आपके सामने जो ट्री शब्द है उसके सामने ट्री वस्तु होगी, तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस है और दोनों एक दूसरे के शब्द और अर्थ को बताते हैं। लेकिन अगर वहां पर ट्री ना हो तो ट्री शब्द का अपना कोई अर्थ आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कार शब्द है तो कार वस्तु है, तो कार के लिए आप कार ध्वनि का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो कार शब्द कार वस्तु ना हो तो फिर उस कार शब्द का अपने आप में क्या अर्थ होगा, ये आप विचार जरूर करें। इसी तरह हिंदी में पेड़ शब्द है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ शब्द है, वस्तु पर आधारित शब्द है, वस्तु के समानांतर ये हमने ध्वनि विकसित की, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में हम सीधे सीधे वस्तुओं के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उनके गुण धर्म की बात करते हैं, जिससे हम वस्तु को जानते हैं, समझते हैं और उसके प्रति व्यवहार करते हैं। तो ये एक पूरा सांस्कृतिक अंतर पड़ जाता है, जिसको हम लोगों ने पिछले 100 वर्षों में, 75 वर्षों में तो बिल्कुल नकार ही दिया है, और इस बात से हम हमेशा संकोच करते हैं कि हम वस्तुओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करें, ना कि वस्तु के बराबर या समानांतर हम एक ध्वनि उसको प्रदान करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वृक्ष शब्द का हमने प्रयोग किया है, तो उसका अर्थ होगा समथिंग दैट इज कट एंड फेल डाउन। इसी तरह तरु शब्द जो है वो वस्तु का परिचायक ना होकर के वस्तु के गुण धर्म को बताता है, जैसे कि समथिंग दैट फ्लोट्स। पादप शब्द इसी तरह से अगर आप लेंगे तो समथिंग दैट ड्रिंक्स यूजिंग इट्स फीट। तो इस तरह से ट्री, पेड़, वृक्ष, तरु और पादप के अंतर को आप समझेंगे, और अगर इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको स्त्री और वुमेन के अंतर को पता लगेगा, आपको फीमेल का अंतर पता लगेगा, नारी का अंतर पता लगेगा, आपको योषित का अंतर पता लगेगा, 342 शब्दों का अंतर आपको पता लगेगा कि उनमें से एक भी शब्द ना नारी के इक्वल ना वुमेन के इक्वलेंट है, ना लेडी के इक्वलेंट है, ना वो वुमेन के इक्वलेंट है। तो खैर, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि वस्तु परक भाषा नहीं है आपकी, आपकी भाषा गुण धर्म परक है, जिससे आप वस्तु के विषय में जानते हैं, उसके विभिन्न आयामों को पहचानते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप अपनी भाषा का जब प्रयोग करते हैं, जिसे भारतीय भाषाएं कहते हैं, और विशेष रूप से जो संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं, उनमें एक साथ तीन गुण धर्म तो आप देख ही लेते हैं कि जब भी आप कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो शब्द आपको एक आइडिया देता है, प्रत्यय देता है,
प्रतीति देता है, प्रॉपर्टीज बताता है और ऑब्जेक्ट साथ में बताता है। तो जैसे कि गम है तो आइडिया ऑफ गोइंग के साथ साथ आपको गति, प्रॉपर्टी ऑफ गोइंग इन ए पर्टिकुलर मैनर, और गति जो है पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ गोइंग, ये भी वो आपको स्पष्ट करता है। तो इसलिए जब भी हम शब्द का प्रयोग करें, स्त्री शब्द का प्रयोग करें, नारी का करें या कोई और शब्द प्रयोग करें, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जो है वो तीन आयामों से उस वस्तु के बारे में ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं। चलिए लौट करके हम आते हैं जो हम चर्चा, हमारा जो विषय था, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं और जिसके आधार पर फेमिनिन मूवमेंट्स चल रही हैं, वो है इन केंद्र में आपका अपना होना है, स्त्री का अपना होना है, जिसे आप टू बी कहते हैं, अंग्रेजी में टू बी कहते हैं। और उसको हम क्या चाहते हैं, उसको कैसे परिभाषित करना चाहते हैं, उसकी परिधि से कि करना भवती, जिसे आप कहते हैं बिकमिंग, यानी कि अचीवमेंट से हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं कि स्त्री जो है वो उसने क्या कुछ किया है, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, उससे हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं, न कि उसके स्त्री तत्व से। जैसे कि आप ये यहाँ पर आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं कि वी कैन डू, यहाँ पर एक सशक्तिकरण का आप स्वरूप देख पा रहे हैं कि उसने ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, जो जो पुरुष कर सकता था वो उसने करके दिखा दिया। अब इससे करने से स्त्री का क्या संबंध है, ये मैं नहीं जानता। ये ठीक बात है कि वो चेतन तत्व होने के कारण वो सब कुछ कर सकती है, जिसमें कभी भी भारतीयों को संदेह नहीं रहा है, जो पुरुष कर सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न ही अपने आप में बड़ा विचित्र हो जाता है कि स्त्री का अपना होना और स्त्री की उपलब्धियां, ये दो नितांत अलग अलग बातें हैं। और उपलब्धियों से अगर आप किसी को परिभाषित करते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज में संघर्ष और द्वंद्व पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको अपनी परिधि के लिए जो स्थान चाहिए, अपनी परिधि बनाने के लिए, निश्चित रूप से वो दूसरे के साथ अवश्य ही टकराएगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा सा देखिए कि स्त्री के विषय में आपने जो देखा और एवं नया दृष्टम, ये मैं बात दोहरा रहा हूं और कई बार दोहरानी आवश्यक इसलिए होती है ताकि वो हमारे चेतना में बैठ जाए, क्योंकि बार बार शब्दों का प्रयोग करके हम चेतना में, चेतना का संस्कार भी उन शब्दों से करना चाहते हैं और चेतना में, बुद्धि में इन शब्दों को बिठाना भी चाहते हैं, ताकि हम अपनी भाषा में, अपने इतिहास की दृष्टि से, अपने मूल्यों की दृष्टि से हम वस्तुओं को, घटनाओं को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को देखें और सोचें और समझें। तो सामान्य रूप से आप एक विशेष दृष्टिकोण से स्त्री के बारे में जानते हैं और एक विशेष दृष्टिकोण से आपने सुना भी होता है, लोगों से सुना होता है, मीडिया से सुना होता है, लोग अन्य अन्य अपने साथियों से, सबसे सुना होता है। देखने और सुनने के बीच में आप एक विशेष प्रकार से आप उस स्त्री को जानते हैं, वुमेन को जानते हैं। और इस जानने में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो कुछ भी जाने वो शास्त्र की मर्यादा से बाहर ना, वो शास्त्र संगत हो, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो है युक्ति उसमें हो, आर्गुमेंट हो, उसमें एक रीजनिंग हो, आर्गुमेंट में नहीं है, युक्ति का अर्थ रीजनिंग है, और आपका अनुभव क्या कहता है, ठीक है। तो आपका जानना शास्त्र, युक्ति और अनुभव पर आश्रित होना चाहिए। जब इस दृष्टि से आप भारतीय दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले जो आप स्त्री के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं कि वो उसका एक जो पक्ष है, स्त्री तत्व का एक पक्ष जो है वो क्या है, आकर्षण करना, और दूसरा है विकर्षण। साथ ही आप देखिए आकर्षण और विकर्षण की अपनी ओर आकर्षित भी करती है और अपने से जो है वो विकर्षण का भाव भी पैदा करती है। और मुझे लगता है तुलसीदास सबसे बड़े इसके उदाहरण है कि कहां वो अपनी पत्नी से जब मिलने जाते हैं एक आकर्षण के कारण, और वही स्त्री जो है उनमें विकर्षण उत्पन्न करके उन्हें श्रेष्ठतम राम भक्त सिद्ध कर देती।
दूसरा आप इसके आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, एक है संतति और दूसरा है सौभाग्य। तो आप स्त्री तत्व को जब परिभाषित करेंगे तो इन दो के बीच में परिभाषित करेंगे कि एक ओर वो संतति से बनती है और दूसरी तरफ अपने सौभाग्य से। अब सौभाग्य में उसके पति भी है और पति से जुड़ी हुई जितना भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको वो संभालती है, देखती है और अपने आप को परिभाषित करते हुए इनको एक समाज का रूप देती है। अगर इसमें से स्त्री तत्व तो निकल जाए तो न संतति बचेगी, न सौभाग्य बचेगा और सारा समाज बिखर जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा स्तर है, जो संस्कृत शास्त्र जिसको परिभाषित करते हैं और बताते भी हैं, बल भी देते हैं, वो है कि स्त्री का एक होता है क्रिया स्वातंत्र और दूसरा है उसका सत्ता स्वातंत्र। और इसका आप सबसे बड़ा प्रारूप कहाँ देख पा रहे हैं, ये ऊपर एक चित्र बना हुआ है जिसे अर्धनारीश्वर का चित्र कहते हैं। इसमें जहां यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ हैं, पुरुष और नारी, स्त्री नर और नारी आप एक साथ मिले हुए देखते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे एक चने की स्थिति होती है जिसमें दो भाग तो होते हैं लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में तो पुरुष नारी से भिन्न नहीं है और नारी पुरुष से भिन्न नहीं है, उसको एक सत्ता स्वातंत्र, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और फिर उसके फ्रीडम टू एक्ट भी है, फ्रीडम टू एक्ट करने का भी उसमें है, जिसके लिए हमारे पुराण सबसे बढ़िया उदाहरण है, हमारे वेद सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां पर ऋषिकाएं भी हैं और साथ में वो देवियां भी हैं जिन्होंने हर तरह से हर तरह की क्रिया को किया है। और विशेष रूप से सावित्री आदि जो देवियां हैं, सावित्री आदि के जो आख्यान हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो आपको बोध होगा। वो बोध क्या है कि उनमें आप उनकी अपनी सत्ता स्वातंत्र और क्रिया स्वातंत्र दोनों आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा सोशल साइंटिस्ट हैं, कॉन्स्टिपेटेड सोशल साइंटिस्ट हैं और आप अपनी भारतीयता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मानना होगा कि उसका होना और उसका जो फ्रीडम टू एक्ट है वो ये बात इसके बीच में सारी भारतीयता स्त्री को परिभाषित करती है। इन छह तत्वों के बीच में उसका सशक्तिकरण होता है। जब उसको इन छह चीजों को कोई भी समाज स्वीकार करता है, उसको मान्यता देता है, उसको देखता है, उसके सामने झुकता है, तो उसका सशक्तिकरण का रूप हमें देखने को मिलता है। अब चाहे आप उसको कहें कि अरे ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गए, उसको देवी कहना, उसको दुर्गा कहना या अन्य सब शब्द, लेकिन वो देवी के रूप में होती वो मनुष्य ही है, देवत्व कहीं बाहर नहीं है, वो उस स्त्री के भीतर ही उभरने वाला वो भाव है। अब आप पर निर्भर करता है कि उसके भीतर आप किस तरह के भाव को देखना चाहते हैं और किस तरह के भाव की आप अपेक्षा करते हैं, देवत्व चाहते हैं या वो आप उसके चेतना को निम्न स्तर पे ले जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जहां वो बैठ करके शराब का गिलास हाथ में लेकर के और मांस के टुकड़े चबाते हुए एक बुद्धिजीविता की तरह बात करे और ये सिद्ध करे कि मेल चौविनिस्ट ऐसे होते हैं, मेल चौविनिस्ट वैसे होते हैं और इन पुरुषों ने इस तरह के अत्याचार किए, ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है और आपकी अपनी कंडीशनिंग पर निर्भर करता है कि आपने सारी उम्र सीखा क्या है, देखा क्या है, समझा क्या है। अब इस सारे के बीच में जैसा कि मैंने कहा कि क्रिया स्वातंत्र और सत्ता स्वातंत्र ये दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं संस्कृत शास्त्रों में, जिसके लिए जो स्त्री के दो पक्ष स्वीकार किए जाते हैं। अब इसी को आप आगे देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने जो संविधान में और जो ह्यूमन राइट्स में और जो नए नए जो विचारिकता हमने प्रस्तुत की है उसमें उसकी शक्ति, समतावाद, बंधुता, स्वतंत्रता, शिक्षा, ये सारे हमने शब्दावली के माध्यम से उसको परिभाषित किया है और उसके लिए हमने इसी के आधार पर स्ट्रेटजीज बनाई हैं, पॉलिसीज बनाई हैं और उनको पोर्टेंट करने का कार्य किया है संविधान आदि के द्वारा। तो कुल मिलाकर के
ये एक शब्दावलियां हैं जिसके माध्यम से हम वुमेन को परिभाषित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि इस सारे संसार में, सारे विश्व में दो बातें हैं। एक तो होता है कि जो कुछ आपको दिया गया है, प्रदत्त जिसे आप कहते हैं, भारतीय परंपरा में कहते हैं प्रदत्त, अन्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रदत्त जो विच हैज बिन गिवन टू यू, सारे मनुष्यता को प्रदान किया गया है, वो प्रकृति के रूप में, धरती के रूप में, सूर्य के रूप में वो आपको प्रदान किया गया है, उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो कुछ दिया गया है उसके लिए आप प्रतीक बनाते हैं, आपकी भाषा भी प्रतीक है, आप जिस तरह से जीवन को जीना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप अपने जीवन को परिभाषित करते हैं, वो प्रतीकों के माध्यम से होता है, जिसमें दो तरह के प्रतीक होते हैं, एक बिंब प्रधान होते हैं और दूसरे मिथक प्रधान। बिंब प्रधान उनको कहते हैं जिसमें जैसे कि प्रकृति और पुरुष, मेल फीमेल आप जैसे शब्द जो प्रयोग करते हैं ये बिंब प्रधान है, और मिथक प्रधान हो जाता है जब आप एडम की बात करते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, मिथक बन जाता है। तो इसलिए इस दो के बीच में हमें जो समझना होगा कि जो भारतीय परंपरा कहती है वो क्या कहती है कि यहां पर आप ये देखिए कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले ये नीचे वाला देखिए कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारी ट्रेनिंग की जा रही है वो किस बात पे की जा रही है कि एक और तो फीमेल या वुमेन जेंडर के लेकर के बात करते हैं, जेंडर बेस्ड हम बातें करते हैं, और दूसरी तरफ मेल एंड मैन जिसे आप कहते हैं उस जेंडर की बात होती है। और आप ये भी ध्यान में रखें कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वहां पर वुमेन या फीमेल जो है वो केवल मेल के आनंद के लिए, मैन के सुख के लिए है। उसके लिए आप उनकी माइथोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और उनकी जो इतिहास में घटनाएं हैं उस घटनाक्रम को भी आप देख सकते हैं कि वहां पर मैन के बाद वुमेन आती है, क्योंकि एडम की पसली से ही, जान की पसली से जो है वो स्त्री को, वुमेन को पैदा किया गया और उसके प्लेयर के लिए पैदा किया गया। ये आप सब जानते हैं क्योंकि माइथोलॉजी उनकी यही बताती है, और मैंने पढ़ा भी ऐसा है, और हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को भी पता होगा। अब इस जो जेंडर बेस्ड जब भी आप पढ़ेंगे और जेंडर बेस्ड जब आपकी थिंकिंग होगी तो निश्चित रूप से आप एक संघर्ष के द्वारा समानता की बात करेंगे, आप संघर्ष के माध्यम से एक समानता की बात करेंगे, समन्वय की बात नहीं करेंगे, सामंजस्य की बात नहीं कर सकते, और यही सारे के सारे इस मुश्किल का आधार है कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वहां समानता के कि जो अंतरधारा है वो संघर्ष है, जबकि होना क्या चाहिए था कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते, दोनों में सामंजस्य होता, वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने जेंडर बेस्ड हमने अप्रोच रखी। वो जो मैंने शुरू में कहा था कि एवं मया श्रुतम, एवं मया दृष्टम, एवं मया ज्ञातम, हमने जो अपनी बेसिक अप्रोच बनाई वो जेंडर बेस्ड बनाई, जबकि हमें जो चाहिए था, जो भारतीय से सीखना चाहिए था, भारतीय परंपरा से सीखना चाहिए था, वो था कि मैस्कुलिन एलिमेंट और मैस्कुलाइन एलिमेंट और फेमिनाइन एलिमेंट को बढ़ाना चाहिए था। इसका क्या अभिप्राय है कि संस्कृत परंपरा या भारतीय परंपरा दोनों एक ही हैं, तो उसमें हर पुरुष के भीतर एक स्त्री तत्व रहता है और हर स्त्री के भीतर पुरुष तत्व रहता है। अब जो हमें शिक्षा देनी चाहिए थी वो ये देनी चाहिए थी कि जो भीतर रहने वाला तत्व है, स्त्री के भीतर रहने वाले पुरुष तत्व को विकसित और प्रफुल्लित करने वाले शिक्षा देनी चाहिए थी, और पुरुष के भीतर रहने वाले स्त्री तत्व को विकसित करना चाहिए था। और इसीलिए जो है वो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना कह लीजिए, हमारा वो यथार्थ भी है, हमारा वो एक तरह से मूल्य भी है कि वो दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते, वो व्यवहार ही नहीं हो सकता है कि आप दो अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, दो अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं, वो एक में ही समाहित हैं, लेकिन अभिव्यक्तियां दो जरूर होती हैं देखने में। तो इसलिए होना ये चाहिए था, संस्कृत की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूं, और बड़े
जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हमें दोबारा से इस शिक्षा का पुनर्व्याख्यान करना चाहिए कि हर पुरुष के भीतर रहने वाले फेमिनाइन एलिमेंट स्त्री तत्व को हमें विकसित करना चाहिए और हर स्त्री के भीतर रहने वाले पुरुष तत्व को विकसित करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करें तो इस समाज में सामंजस्यता आ जाएगी। समानता के लिए आपको न हिंसा करनी पड़ेगी, न शोषण करना पड़ेगा और ना ही आपको अजीबोगरीब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जैसे कि आजकल सुप्रीम कोर्ट हमें करके दे रहा है कि हर तरह के विवाह का अनुमोदन भी कर रहा है, हर तरह की विकृति को भी वो स्वीकार कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, शायद इसी को आधुनिकता कहते हों, तो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस बात के ऊपर संस्कृत शास्त्रों का सबसे अधिक जोर है कि मैस्कुलाइन एलिमेंट और फेमिनाइन एलिमेंट, इनमें जो इन तत्वों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भीतर रहते हैं। जेंडर जो है वो हमेशा बाहर रहता है, वो और जो बाहर रहेगा निश्चित रूप से उसमें एक संघर्ष पैदा होगा। तो फिर वो सर्वाइवल की बात है कि जहां स्त्री को लगेगा उसके सर्वाइवल का प्रश्न है वो पुरुष को मारेगी, और जहां पुरुष को लगेगा उसके सर्वाइवल का प्रश्न है वो स्त्री को मार देगा, और मारा ही है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, जितने युद्ध किए गए हैं, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई है उसमें आपको इस तरह के रूप मिलते हैं। और ये भी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अगर हम ये सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हुई है पिछले कई वर्षों में तो उसमें कोई पुरुष का योगदान है, तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जो जो एक पुरुषोचित जो शक्ति थी उसका ह्रास हुआ है, उसकी आवश्यकता कम हुई है। इसलिए उस पुरुषोचित शक्ति का ह्रास होने के कारण जो टेक्नोलॉजी ने हमें मौका दिया है कि स्त्री जो है वो उभर करके सामने आई, जो बड़ी ताकत लगा करके काम, जिसे आप कहते थे कि पुरुष की जो ताकत है, उसके जो शक्ति है वो उसका उसको सिद्ध करती है, उसकी डोमिनेंस सिद्ध करती है, उसको टेक्नोलॉजी ने बहुत कम कर दिया है और वो टेक्नोलॉजी स्त्रियों के लिए हेल्पफुल हुई है। लेकिन उसने कोई पुरुषों की मानसिकता को बदल दिया हो, स्त्रियों की मानसिकता को बदल दिया हो, ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो पहले से बहुत बेहतर समाज होता, संघर्ष कम हो जाते, स्नेह बढ़ जाता, प्रेम बढ़ता और सामंजस्य का जो है वो हमें दिखाई दे। तो चलिए कुल मिलाकर के स्त्री सशक्तिकरण के संदर्भ में समस्या है इन दिए हुए प्रदत्तों और प्रतीकों के संबंध को परिभाषित करने की, दोनों के संबंधों को सुलझाने की। तो उसका तरीका हमारे पास यही है कि हर पुरुष के भीतर रहने वाले फेमिनाइन एलिमेंट को हम जो है विकसित करने का मौका दें या उसका संस्कार करें, और इसी तरह हर स्त्री के भीतर रहने वाले मैस्कुलाइन एलिमेंट पुरुष तत्व को जो है विकसित करें, उन्मिलित करें, उसका संस्कार करें। तो यहां तक की ये मैंने बात आप लोगों से संक्षेप में साझी की है। अब मैं चाहूंगा कि मैं जो एक वक्तव्य है वो आप लोगों के साथ पढ़ देता हूं, क्योंकि उससे जो है वो मैं बिल्कुल अपने विषय पे टिका रहूंगा। अपनी बात कहने से पहले मैं स्पष्ट करके चलता हूं कि मेरे लिए स्त्री कोई विवाद का विषय नहीं रहा है, न ही यौन लिंगों के नाम पर धड़ेबंदी का मेरे से संबंध है, न ही ऐसे लोगों से कोई संबंध है जो यह समझते हैं कि स्त्री कोई समझने की चीज ही नहीं, केवल प्रेम की चीज है। क्योंकि ऐसे लोग प्रायः वे हैं जिनके पास न प्रेम है न समझ है। जहां प्रेम होता है वहां समझ होती ही है, जहां प्रेम होगा समझ होती ही वही है। स्वार्थी व्यक्ति का मन तो हमेशा भाषा के स्तर पे ही जीता है, और भाषा तो लिंगों के आधार पर विभाजन मानकर ही चलती है, जो एक ऐसा युद्ध का मैदान बन जाते हैं जिसमें लोग मिलते तो हैं पर एक दूसरे का गला काटने के लिए। अतः स्त्री को यदि स्वयं को समझना है या पुरुष को भी यदि स्त्री को समझना है तो दोनों को ही प्रेम और ज्ञान में दीक्षित होना पड़ेगा, अन्यथा स्त्री बड़ी या पुरुष बड़ा के चक्कर में हम तोता मैना के किस्से कहानी कहने या लिखने से ऊपर नहीं उठ पाएंगे।
किस्से की भाषा सड़क छाप हिंदी से उठकर ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश जैसी भी हो सकती है। मेरा स्त्री से प्रथम परिचय गंध के माध्यम से हुआ। गंध धरती का ही गुण है और था। मैं गंध के आधार पर ही एक स्त्री का दूसरी स्त्री से अंतर कर सकता था। रूप के आधार पर और आवाज के आधार पर स्त्री की पहचान जरा बाद में हुई, लेकिन यह पहचान यहीं तक रह जाती यदि स्त्री ने ही एक चैलेंज के रूप में चेतना के सोपानों पर चढ़ने की प्रेरणा न दी होती। इस स्त्री को मैंने सहस्र नाम दिए, उसके पास बैठकर बोलना सीखा तो मेरी वाणी को भी मातृका कहा गया। देखना शुरू किया तो दृष्टि कहा गया, सुनना शुरू किया तो श्रुति कहा गया। वर्ण मातृका, दृष्टि और श्रुति तीनों स्त्रीवाची शब्द मेरे जीवन का यथार्थ बन गए। वांग मातृका यानी संस्कृत वर्णमाला, दृष्टि यानी मेरा अपनापन और श्रुति मेरी परंपरा बन गई। इस त्रिकोण के बीच बैठकर जो कुछ समझ में आया वह मेरे सम्मुख है। केवल ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री का अध्ययन द्वंद्वात्मक संघर्ष को हवा देने की बात है, अतः उस विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है। वैदिक काल में स्त्री का जो रूप सामने आया था वह अति महनीय था, किंतु बाद में जब आर्यों की स्त्री संबंधी मान्यता में और आर्येतर जातियों जैसे कि ग्रीक, यूची, शक, कुषाण, हूण, अरब, मंगोल, अंग्रेज जातियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का मिश्रण होता गया तो परिवर्तन होता गया। इन जातियों के घरों में रहने वाली स्त्री संबंधी धारणाओं का अध्ययन करके ही भारतीय स्त्री का इतिहास हम समझ सकते हैं। यह दृष्टि ठीक नहीं कि बाहर से आई जातियों के प्रभाव को हर श्रेष्ठता के साथ जोड़ दिया जाए और दूषित प्रभावों को रामायण, महाभारत और मनु के साथ जोड़ दिया जाए। इतिहास तब एक तोता मैना का किस्सा बन जाता है जब वह मरे हुए तथ्यों के साथ तथ्यों को जीवित तो के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं दोबारा इस पंक्ति को दोहराना चाहता हूँ। इतिहास तब एक तोता मैना का किस्सा बन जाता है जब वह मरे हुए तथ्यों को जीवित तो नहीं कर सकता पर सूची या लिस्ट छाप देता है कि इतिहास में इतनी औरतें बेवफा निकली और इतने पुरुष बेरहम निकले। बेवफा औरतों को तलाक मिलना चाहिए और बेरहम आदमियों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। अतः मैं उस दृष्टि को मान लेना चाहता हूँ जो स्त्री को भूत और भविष्यत के चक्कर से मुक्त करके उसको वर्तमान में देखती है, यथार्थ रूप में देखना चाहती है, उसकी धरती को भी पहचानना चाहती है और उसकी दिव्यता को भी। यह ठीक है कि समाज में नारी की स्थिति को लेकर के एक विवाद रहा है कि मूलतः भारतीय विचारधारा में नारी के प्रति एक नकारात्मक रुख रहा है। इस आरोप का कारण संभवतः इसलिए भी उचित हो क्योंकि संस्कृति, साहित्य और कला में उसका जो रूप रहा है वह धीरे धीरे लोक जीवन में विकृत होता रहा है और समय समय पर शास्त्र को भी विकृत करता रहा है। आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दुर्दशा के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण के बाहरी स्तरों पर बहुत विकृति आई है, किंतु मूल या केंद्रीय दृष्टि में परिवर्तन के स्थान पर विकास भी मिलता है। उसी दृष्टि की एक झलक हम कालिदास से शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास जब बात शुरू करते हैं तो उनके उस जीवन के दो पक्ष सामने आते हैं। पहला पक्ष जड़ कालिदास का, जो जड़ता और अज्ञान का ऐसा रूप है जिसमें चालाकी, धूर्तता और या दंभता का लेश भी नहीं। व्यवहार बुद्धि शून्य एक आदमी जो पेड़ की जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा है। आत्मनाश या आत्मरक्षा की सहज भावना से भी अपरिचित, लोक दृष्टि में निपट महामूर्ख जिसकी दीक्षा का दायित्व तो स्त्री शक्ति ने अपने पर लिया, क्योंकि शक्ति के अवतरण का इससे बढ़िया माध्यम दूसरा हो ही नहीं सकता था। छोटी मोटी व्यवहारिक समझदारी जिसे आम लोक जीवन में बड़ा उपादेय या अपरिहार्य माना जाता है, उसका दिव्यता के जीवन से इसलिए घोर विरोध रहा है क्योंकि हमारी व्यवहारिकता की आधार भूमि छोटे छोटे स्वार्थ या अहंकार ही है। फलतः हम व्यवहारिक जीवन में परम सत्ता या पराशक्ति का जो भी चिंतन करते हैं उसे अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति में ही साधन बनाना चाहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मुक्त जीवन ही परम शक्ति के निवास का स्थान हो सकता है। अतः कभी कभी मुझे अपढ़ कालिदास और रामकृष्ण परमहंस में
बड़ी समानता लगने लगती है। दोनों ऐसे व्यक्ति जिनका चुनाव आद्या महाशक्ति कालिका स्त्री के द्वारा स्वयं किया गया है, और लगता है कि जड़ कालिदास के संस्कार और दीक्षा का दायित्व भी एक स्त्री देह के माध्यम से अपने पर स्वयं ही ले लिया। फलतः दीक्षा के होते ही कालिदास के मन प्राण चेतना में स्त्री एक तत्व के रूप में व्याप्त हो गई, जिसकी अभिव्यक्ति ही उनका साहित्य है। स्त्री क्या है, यह पहेली जितनी उलझी हुई है उतनी ही सरल है। शायद यह सरलता अति बुद्धिवादिता के कारण अधिक उलझ जाती है। कहते हैं, महाज्ञानी शंकराचार्य से एक स्त्री भारती ने सवाल कर दिया कि तुमने ब्रह्म माया जीव जगत की सब ग्रंथियां समझ रखी हैं, पर यह बताओ कि वह स्त्री की कौन सी कला है जिससे वह आकर्षण पैदा करती है। कहते हैं कि ज्ञानी शंकर भी को भी इस सवाल को हल करने के लिए राजगृह की स्त्रियों के बीच 6 महीने रहना पड़ा। संभवतः शंकर के मठों में महामाया त्रिपुर सुंदरी की साधना और बौद्धों जैनों में तारा आदि देवियों की उपासना के मूल में इसी स्त्री तत्व को यथार्थ ग्रहण करके ही संन्यास की पूर्णता की जाती रही है। कहा जाता है कि प्राचीन भारत के लोग संभोग व्रत को धर्मांग मानते थे। स्त्री के साथ एकांत में रहते हुए भी रति सुख में प्रवृत्त नहीं होते थे। इसका कारण नपुंसकता नहीं, सामाजिक आवश्यकता थी। लोग जानते थे कि इंद्रियों के आवेगों को परितृप्त करने के लिए यदि किसी भी वस्तु को केवल भोग के सुख का माध्यम बनाया जाएगा तो भोग या वस्तु का उपभोक्ता की दृष्टि में अवमूल्यन हो जाएगा। पहले अवमूल्यन हो चुका था, अतः अवमूल्यन से बचने का एक ही रास्ता रहा है कि लोग काम सुख को इंद्रिय द्वारों तक ही न बुझ जाने दें, उसे अंतरात्मा के स्तर तक भी पहुंच जाने दें। वहां पहुंचकर वह आनंदानुभूति में रूपांतरित हो सकेगा, अन्यथा वह काम सुख रोग शोक एवं विपत्ति का कारण बनेगा। मिलन को नहीं विभाजन को पैदा करेगा, क्योंकि महासुख के लिए प्रतीक तत्व या धातु को क्षणिक संवेदनाओं के स्तर पर भोगने का परिणाम व्याधियों एवं नर पशुओं की सृष्टि ही होगा। शास्त्र और अनुभव दोनों ने कहा है कि पराशक्ति जब खेल में प्रवृत्त हुई तो स्वयं को मिथुना भाव में पाया। इस मिथुन भाव का प्रादुर्भाव ही शिव शक्ति राधा कृष्ण आदि के रूप में हुआ। इस अनंत सृष्टि में जब से निरंतर शिव का शक्ति में, शक्ति का शिव में, राधा का माधव में और माधव का राधा में रूपांतरण होता रहा है, पर बाहर से वह रति द्विमुखी दिखाई देने पर भी अंदर से पराशक्ति की आत्मरति या आत्मक्रीड़ा रही है। संभवतः रति क्रीड़ा की भी अंतिम परिणति यही है। शाक्त कहते हैं कि इस दो के मिथुन में तीसरे का तो अस्तित्व ही नहीं है। यह अति रहस्य लीला जिसका बाह्य रूप कोई है ही नहीं, उसे तीसरे बन करके नहीं तादात्म्य या आत्मविसर्जन के स्तर पर देखा जा सकता है। दो के खेल में जो तीसरा होना चाहता है वह असुर बन जाता है। असुर को अपने में समेटना शक्ति का अपना काम है। शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने शिव की आराधना में लीन देवी को संदेश भेजा कि देवी तुम अप्रतिम सुंदरी हो, हम त्रिलोकी में अप्रतिम बलशाली है, हमारी अर्धांगिनी बनो। देवी ने असुर को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि जो मुझे युद्ध में जीत सकता है, जिसमें मेरे स्त्री तत्व के दर्प को दमित करने की शक्ति है, जो मेरे समान पराक्रमशील है, वही मेरा भर्ता हो सकता है। स्त्री तत्व का यह दर्प ही उसकी कांति बल, नीति बल या धर्म बल रहा है। यही उसकी सर्वाकर्षणी, सर्वोत्कृष्टा, सर्वानंदमयी कला का उन्मेष है, जिसे शिव बनकर के ही देखा जा सकता है, पशु बनकर के नहीं। वस्तुतः आगमों में जब ये कहा गया कि हे माँ, तुम न तो मात्र पुरुष हो न ही स्त्री, तुम तो चित रूपिणी हो, तुम्हारे में तो पुंसकता भी नहीं है, तो उस समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि स्त्री पुरुष या नपुंसक आदि तो भाव हैं। भाव मानी कलाएं, रूप या पक्ष, जिनमें स्त्री समय समय पर अभिव्यक्त होती रहती है। और कला क्योंकि स्वयं अनंत शक्ति से उठी है, अतः अनंत की ही
प्रतिनिधि होती है, क्योंकि प्रत्येक कला में अन्य कलाओं का भी समावेश रहता है। अतः जब एक कला यानी स्त्री कला का आविर्भाव होता है तो उसके अंदर ही पुरुष कला, मातृकला, पितृकला, पुत्री कलाएं भी समाविष्ट रहती हैं। उन्हीं कलाओं के कारण स्त्री होते हुए भी उसे संस्कृत में कभी नपुंसक लिंगी कलत्र पद द्वारा, कभी पुरुष लिंगी दारा शब्द द्वारा बोधित किया गया है। ये अन्य भाषाओं में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्त्री में भी क्रिया के स्तर पर पुरुष तत्व या नपुंसकत्व आदि भाव जागृत होते रहते हैं। अतः भाव सृष्टि सारी ही इतनी संसृष्ट या मिश्रित है कि इसमें कुछ भी स्वतंत्र नहीं। जो स्वतंत्र है वह इन सब का सार है, जो इन अनेक भी नहीं, एक भी नहीं, युगपत है। स्त्री में पुरुष, पुरुष में स्त्री अथवा नपुंसकत्व आदि भाव तीनों गुणों की तरह सर्वे सर्वत्र गामिनः हैं, सभी एक साथ रहेंगे। हाँ, कभी कोई आगे कोई पीछे हो सकता है। अर्ध नारीश्वर में नर और नारी, नटेश में कला और कलाकार के युगपत भाव की ही अभिव्यक्ति हुई है। किसी महाकवि की दृष्टि जब परम शक्ति के इन कला भावों का साक्षात्कार कर लेती है तो परम शक्ति के साथ उसके संसर्ग का तुरंत फल जो होता है वह है दृष्टि का पूर्ण रूपांतरण, अपूर्णता का पूर्णता में परिवसान, जिसके आगे निष्कल या निर्गुण तत्व भी सकल हो उठता है। और यही इसी जगत में रहते हुए ही उसका जगत अपने में होने वाले क्षण प्रतिक्षण नए उन्मेषों के कारण रमणीयता या सौंदर्य में पलट जाता है। कभी दृष्टि के आगे रमणीयता या सौंदर्य का यह नित्य नर्तन अनंत कला रूपों में अखंड संबोधों में जागृत हो उठता है। वह उसी के अधीन होकर के उसी में तन्मय होकर के जीता है। अतः एकत्व में अनेकत्व का संचार करने वाली, भू धातु को भव में परिणत कर देने वाली, निष्क्रिय को गति देने वाली पराशक्ति की इस लोक में अभिव्यक्त कला को स्त्री कहना चाहिए। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं। अतः एकत्व में अनेकत्व का संचार करने वाली, भू धातु को भव में परिणत कर देने वाली, निष्क्रिय को गति देने वाली पराशक्ति की इस द्युलोक में, इस लोक में अभिव्यक्त कला को स्त्री कहना चाहिए। संस्कृत भाषा में स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति में कहा जाता है कि यह शब्द स्त्य मूल के आगे ड्रप और नी प्रत्यय लगा करके बनता है। मूल स्त्य का अर्थ है पहले व्यर्थ को समेट करके एकत्रित करना यानी आकर्षण करना, फिर उस एकत्रित पुंज को क्रम से फैलाना या बिखेरना। वैसे स्त्री धातु का अर्थ भी विस्तार देना ही है। वेदांतियों की माया संबंधी इस धारणा का क्या होगा यदि हम स्त्री को ब्रह्म की बृंघनशील विस्तार यित्री शक्ति मान लें। यदि हम ब्रह्म के बृंघन या विस्तार को अविद्या ही मान लेंगे तो यह ब्रह्म मात्र अविद्या के और कुछ नहीं रह जाएगा। वस्तुतः स्त्री कला के सृष्टि में दो ही मुख्य कार्य नजर आते हैं, एक तो आकर्षण करना, दूसरा विकर्षण करना। इनमें भी दूसरा रूप मातृत्व के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से ब्रह्म की एको हम बहुश्याम प्रजाए वाली संकल्पना पूरी होती है। स्त्री तत्व का जो आदि रूप है वह है आकर्षण करना। देह और काम के स्तर पर भी इस भाव की प्रबलता को देखते हुए संस्कृत कोष्टकारों ने स्त्री शब्द के स्त्य मूल का अर्थ स्त्यायते शुक्र शोणिते यस्याम, अर्थात जिसमें वीर और रज का पहले संपुंजन फिर विकरण होता है। अतः स्त्री का प्रथम रूप या आदि रूप चरम प्रवाह या लोक मातृत्व के रूप में आने से पहले राधा है। स्वयं भी कृष्ण पुरुष के प्रति आकृष्ट हैं और उसको आकर्षित कर भी रही है, पर जब कृष्ण की भी आकर्षक हो जाते हैं तो राधा ही हो जाते हैं। देह स्तर पर भी वे मोहिनी रूप ही हो जाते हैं, चाहे असुरों के चंगुल से अमृत आकृष्ट करना या छीना हो, चाहे शिव की सोम कला से जमकर के बर्फ हुए शुक्र को धरती पर प्रवाहित करना हो, विष्णु को अपनी कामाकर्षणी कला से वामा या मोहिनी स्त्री बनना ही पड़ेगा। यह आकर्षण शक्ति या सौंदर्य आराधना या तप से प्राप्त होती है।
भगवान ने भी तप किया और भगवती ने भी। उसने तप में उसकी आराधना की, उसने उसकी। फलतः दोनों ही एक थे, एक ही हो गए। इस स्थिति का साक्षात्कार करने वाले वैष्णव कवि के मुख से अकस्मात बोल फूट पड़ा, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति हुई जू गई। मानव चेतना के स्तर पर से लेकर के भौतिक सृष्टि के स्तर तक, अर्थात चंद्र सूर्य वन पर्वत नदी नाले तृण अणु परमाणु सब में राधा माधव की ही भेंट हो रही है। आकर्षण ही आकर्षण, फिर कर्षण और विकर्षण। आगम शास्त्र ने सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर चल रही इसी लीला को अनुभूत कर भगवती को अनेक नामों से संबोधित करते हुए उसको कामाकर्षणी ही नहीं, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, रसाकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी नामों से भी उसे अभिहित किया है। उपनिषद की शैली में कहा जा सकता है कि यह आकर्षण ही तो सब कुछ है, यह विश्व उसी का उपाख्यान है। कृष्ण उपनिषद में कहा गया है कि भगवान विष्णु को देवता समुदाय ने आकृष्ट होकर वैकुंठ में कहा कि हम आपसे आलिंगन करेंगे। उन्होंने कहा, अभी जरा रुको, तुम लोग ब्रज भूमि में गोपिकाओं के रूप में जाकर के उतरो, फिर यह मिलन विरह का खेल होगा। कृष्ण ने धरती पर सब देवताओं का आकर्षण कर लिया। यह कृष्ण कौन था? भक्तों में अभी भी बहस है कि यह कृष्ण वृंदावन में राधा से अतिरिक्त कुछ और तत्व नहीं, और वैकुंठ में यह विष्णु परमेश्वरी ललिता से भिन्न भी कुछ नहीं। यह बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि आकर्षण का मूल क्योंकि सौंदर्य एवं लालित्य है, और यह सौंदर्याकर्षण स्त्री पद का वाच्य अर्थ है। अतः पौराणिकों एवं मूर्तिकारों ने विष्णु एवं शिव को अखंड एवं अक्षय सौंदर्य का प्रतिमान मानते हुए सदा के लिए दोनों की दाढ़ी मूंछ आदि पौरुष चिन्हों का अपहरण कर लिया, दोनों को चिर कुमार बना दिया। वे दोनों ही भाव पुरुष हैं। संभवतः कलाविदों ने मानव मन में व्याप्त पितृबिंबों को जीवित रहने देने के लिए ही छूट दे दी हो। स्त्री तत्व को सृष्टि की श्रेष्ठतम कला मानते हुए आगमाचार्यों ने विधान किया कि सर्वम शांभवी रूपम, सब जगत शांभवी एवं शंभु स्त्री का ही रूप है। अतः कौल मत की आचार मीमांसा में चेतावनी दी गई है, स्त्री न निंद्यात, अर्थात स्त्री लोक की निंदा ना करे। मनु आदि धर्मशास्त्रकारों को भी यदि विकृत किए बिना अपने स्व में स्थित होकर देखा जाए तो स्त्री तत्व की गरिमा को वहां भी मुक्त हृदय से स्वीकार किया गया है। स्त्री के स्थान पर जामी शब्द का प्रयोग करते हुए मनु कहते हैं कि ये जामिया, अर्थात स्त्री, माता, पुत्र, वधु, पुत्री, बहन आदि अनादृत होकर जिन घरों को शाप दे देती हैं, वे कुल संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे सदा ही पूज्य हैं। स्त्री के रोचमान अर्थात प्रसन्न होने से ही सारे कुल में प्रसन्नता रही है। आप मनुस्मृति का अध्याय 3 श्लोक 56 से 62 तक देख सकते हैं, और जैसे कि आजकल कई बुद्धिजीवी उसको चलाने में बड़े अपना संतोष अनुभव करते हैं, वो उनकी बुद्धि है, विकृत मानसिकता को और क्या कहा जा सकता है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। किंतु समाज में परिवर्तनशील उपयोगितावाद के स्तर पर जैसे प्रत्येक विचार या धारणा विडंबित होती है, कुछ वैसे ही विडंबना स्त्री संबंधी धारणा के साथ भी उत्तरवर्ती काल में हुई। कुछ एक ऐतिहासिक कारणों से ही विकृत चिंतन इस रूप में उभरा कि दर्शन, स्पर्शन और मैथुन में पुंज शक्ति का सर्वथा अपहरण करने के कारण नारी को प्रत्यक्ष राक्षसी तक कहा। मध्यकालीन संत भी अपनी परंपरा में विच्युत होकर के कुछ समकालिक रूढ़ी के विकृत प्रभाव के कारण पतनशील समाज में किसी प्रकार पतनशील रूढ़ियों का आश्रय लेकर जीने लगे थे, और वैसे भी स्वरूप चिंतन की समाप्ति और रहस्यवादी गोपनीय प्रवृत्तियों का उदय मध्यकाल की पृष्ठभूमि में पनपना शुरू हो गया था। अन्यथा वैदिक काल की पुरंदरी योषित का स्थान भारतीय लोक में कम कमनीय नहीं रहा होगा। आज भी पूंजीवादी या समाज विवादी व्यवस्थाओं में स्त्री और पुरुष वाली बात तो गौण हो गई है, क्योंकि दोनों ही व्यवस्थाएं मूलतः अर्थ सीमित हैं, अर्थ प्रधान है, जीवन के अर्थ खोलना उनके बस की बात ही नहीं है। अतः वहां यदि स्त्री को नौकरी, पद,
या आर्थिक सुविधा देकर के उपलब्धियों का घृणित माध्यम या व्यवसायिक साधन मात्र ही बना लिया जाता है, तो वहां स्त्री तत्व आज भी उतना ही उत्पीड़ित है, भले ही प्रचार कैसा भी होता रहे। प्राचीन परंपरा में कुछ शाक्तों और वैष्णवों के आगे ये धाराएं पूरी तरह से खुली। शैवों में कालिदास ने स्त्री तत्व का जो ध्यान किया है, तो उसे लगा कि शकुंतला का सौंदर्य और आकर्षण प्रत्येक युग की अपनी उपलब्धि तो है ही, पर शकुंतला के भी अखंड तप और पुण्यों का फल ही नारी देह के रूप में आविर्भूत हुआ है। हिमपुत्री पार्वती के प्रकरण में कालिदास ने स्त्रियों की चारुता की बात करते हुए कहा है कि सौभाग्य रूप फल को प्राप्त करना ही, प्रिय को आकृष्ट कर लेना ही चारुता का लक्षण है। वैष्णवों में चंडीदास और विद्यापति स्त्री की इस रूपा कृष्टि को देख पाए तो प्राणों में ऐसी ज्वाला भर गई कि बुझ ही नहीं सकी। जन्मी जन्मी भर रूप निहारिल, अजहू न तर्पित भेल। समाज में व्यवहार में लोगों ने इस स्त्री को चाहे जैसे भी समझा हो, किंतु पुण्यशील चेतना वाले संवेदनशील महात्माओं को स्त्री तत्व का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें पता चला कि सृष्टि के मूल में तत्व रूप एक ही स्त्री है, जो आकर्षण भी करती है, विकर्षण भी। वह केवल लिंगों तक सीमित नहीं है, वह स्त्री समुदाय के प्रति मार्कंडेय मुनि की यह श्रद्धा एवं अभिनंदन मिथ्या या औपचारिकता नहीं है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। वस्तुतः सारी प्राचीन दृष्टि में एक बात अवश्य परिलक्षित होती है कि तत्व के रूप में तो स्त्री का सर्वत्र अभिनंदन ही हुआ है, किंतु व्यक्ति स्त्री के रूप में उसमें गुण और दोष वाली दृष्टि को यथार्थ मान करके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरह की बातें कही जाती रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक वक्तव्य था जिसके लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का आभारी हूँ, जिनके लेख को मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, उस दृष्टि को आप लोगों के साथ साझा किया है और अपनी बात भी मैंने आप लोगों के साथ साझी की है कि वुमेन, हम ये अब समय आ गया है कि जब हमें इन सोशल साइंसेज को जो पढ़ाई जा रही हैं इनको हम डीकॉलोनाइज करें, अपनी भाषा में अपने सोशल साइंसेज को विकसित करें, समाजशास्त्रों को विकसित करें। बहुत कुछ है परंपरा में, उसको सार्थक करें, उसकी झाड़ पहुंच करें, उसमें से संस्कार करें, जो दोष है उनको हम निकालें और जो उसमें गुण है उनको स्थापित करें और उन्हें हम संगत बनाएं, व्यवहार में लाएं। बहुत हो लिया पिछले 75 सालों में, हमने बुद्धि के स्तर पर बहुत कुछ करने का प्रयास किया भी, लेकिन उसमें कितने संघर्ष को उत्पन्न कर दिया है, कितने बिखराव को उत्पन्न कर दिया है। मुझे लगता है कि उस सब के ऊपर हम धैर्यपूर्वक विचार करें और पुनः इस सारे समाज शास्त्रों को औपनिवेशिकता से मुक्त करके भारतीय समाज शास्त्रों को पुनः स्थापित करें, उस दृष्टि से हम चर्चा करें, स्त्री क्या होती है, नारी उसका पक्ष कौन सा है और अन्य 342 शब्द जो हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो मैंने इसके बीच में दिखाए नहीं है 342 शब्द, क्योंकि वो स्लाइड्स बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ उन 342 शब्दों को। और निश्चित जानिए कि उनमें से कोई भी शब्द वुमेन के इक्विलेंट नहीं है, न लेडी के इक्विलेंट है, न वो फीमेल के इक्विलेंट है। तो इसलिए तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी भारतीय परंपरा का जो बोध है वो स्त्री सशक्तिकरण की समस्याओं का समाधान फार्मूलों के साथ नहीं करना चाहता, वो प्रेम और सूद से करने के लिए प्रयत्नशील है। तो उसको हम अग्रसर करें और जो स्त्री की प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करें, उसको पूरा एक स्वातंत्र का जो उसका स्थापना है, रचनात्मक रचना धर्मिता है, उसका हम सम्मान करना सीखें। और ये तभी संभव होगा जब हम हर पुरुष के भीतर रहने वाली स्त्री को विकसित करेंगे, विकसित होने का मौका देंगे, और हर स्त्री के भीतर रहने वाले पुरुष तत्व को विकसित होने का मौका देंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उसके लिए मुबारक, और साथ ही साथ इस वुमेन्स डे को
अपने भारतीय संदर्भों में सफल बनाने के प्रयास में आप लोगों के सहयोग के लिए सादर धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले तीसरे भाग के साथ जल्दी ही, चाहे हम इकोनॉमिक्स पे वो चर्चा करेंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे या अन्य किसी विषय पे चर्चा करेंगे, ताकि हम इस सोशल साइंसेस को डीकंडीशन कर सकें, उसको डीकॉलोनाइज करें और सोशल साइंटिस्ट को डीकंडीशन कर सकें। तो इसी अपेक्षा के साथ आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।